अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो में आपको दो आईफोन 6 मतलब कि एक 6 और एक 6s और एक हवावे Y7 Prime आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पे मैं बहुत सी ऑफ़र्स पे, डील्स पे, डिस्काउंट्स पे और अलग से चीज़ें देख के और आइडियाज़ वगैरह पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच यार। उन कमेंट्स में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि सिटी का नेम नहीं लिख रहे। आईफोन के ऊपर भी बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं जो कि सिटी की वजह से नई वीडियो बना पा रहा, उन्होंने सिटी का नेम नहीं मेंशन किया हुआ। तो लाजमी यार आपसे रिक्वेस्ट है, सिटी का नेम लाजमी कमेंट्स में मेंशन किया करें। प्राइस वगैरह बेशक ना किया, अपनी चीज़ का नाम और सिटी का नेम लाजमी मेंशन कर दिया करें ताकि आपको प्रॉपर वीडियो बना के मैं दे सकूँ, उसको उसकी उस वीडियो का आपको फ़ायदा भी हो। तो करते चले हम अपने पहले आईफोन 6s की बात। ओवरऑल कंडीशन के लिहाज से बेहतरीन है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 9:10 कंडीशन में ये आईफोन 6s पड़ा हुआ है, ठीक है। बैटरी टाइमिंग के लिहाज से 90% तक बैटरी टाइमिंग इसकी ओके है और इसकी मतलब कि इसके साथ आपको मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ आईफोन की किट है, मतलब कि चार्जर, हैंड फ्री वगैरह, डब्बा वगैरह इसके साथ नहीं है। तो 64 GB में ये मौजूद है इस टाइम, 64 GB मेमोरी में, ठीक है, जो इसकी अपनी मेमोरी होती है 64 GB। कार्ड वगैरह तो इसमें ऑब्वियसली नहीं डलता, 64 GB में ये इस टाइम मौजूद है। तो प्राइस की बात कर लें, 20,500 रुपये उसकी डिमांड है, ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। आईडी जो टच आईडी होती है थंब की वो भी ओके है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी में निकलता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके है, हर लिहाज से ओके है फ़ोन। सिर्फ 64 GB में मौजूद है, सिर्फ किट इस टाइम मौजूद है, 20,500 रुपये उनकी डिमांड है। अगर आपको समझ में आता है तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, नंबर यहीं पर मैंशन कर दूँगा। और इस टाइम ये इस्लामाबाद में मौजूद है, इस्लामाबाद वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मेरे पास Huawei Y7 Prime है। Huawei Y7 Prime का सीन ऐसा है कि ब्रो कि बहुत अच्छी कंडीशन में ये मौजूद है, ठीक है, जो कि उन्होंने प्रोटेक्टर के साथ पूरा उसको कवर किया हुआ है हर जगह, मतलब कि स्टिकर वगैरह, जिस तरह भी फ़ोन को कवर करने का भी तरीका अपना अपना होता है सबका, जिस तरह का उसको पसंद है वो उस तरह का उसको सेव कर लेता, मतलब कि इसके सो समझ लो कंडीशन के लिहाज से फ्रंट कंडीशन आपके सामने है, बैक कंडीशन न्यू ही होगी क्योंकि जो कि उन्होंने वगैरह उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है साफ़ ही होगा नीचे से। अब Y7 Prime है, इसके साथ आपको डब्बा, हैंड फ्री, चार्जर और एक और ऑप्शन है यार इसके साथ, ये आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोन है उसको सेल करके आप परचेज़ इसको करेंगे तो इनके पास चले जाएं, इनको बता देंगे मेरे पास ये फ़ोन है, अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो डील मार लें दोनों के, बनती है तो, क्योंकि इन्होंने एक्सचेंज की ऑफ़र वहाँ पर लगाई हुई है कि सिर्फ ओनली सेल नहीं है, एक्सचेंज भी ये कर सकते हैं। तो इस टाइम ये 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी में मौजूद है, ठीक है। डब्बा, हैंड फ्री, चार्जर मैंने आपको बता दी, चलने के लिहाज से बेहतरीन है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो करते चलें इसकी प्राइस की बात, 13,500 रुपये उसकी डिमांड है, ठीक है, अभी ये डिमांड है तो प्राइस की मज़ीद बात आप कर लीजिएगा, नंबर वगैरह आपको यहीं पे दे दूंगा मैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक पे क्लिक करके अगर ऐड देखना चाहते हैं ऐड देख लीजिएगा, और नंबर पर रबता करके प्राइस वगैरह की बात करना चाहते हैं तो प्राइस वगैरह की बात भी आप कर सकते हैं। तो साहिवाल से जिसने मुझे ये कमेंट्स किया था उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसी तरह मुझे कमेंट्स कर दिया करें, नाम ज़रूर लिख दिया करें, तो परचेज़ करने के लिए नंबर भी आपको मिल सकता है इसका। तीसरे नंबर पे हमारे पास है आईफोन 6 के, इसकी कंडीशन बेहतरीन है, इसमें भी किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कि इसमें एक प्रॉब्लम है सॉरी, इसकी टच आईडी नहीं चलती बस, ठीक है, टच आईडी इसकी नहीं चलती, प्राइस के लिहाज से मुनासिब था इसलिए मैंने देखा ये, और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन लगे हुए थे प्राइस के लिहाज से, मतलब कि एक्सपेंसिव है, टच आईडी भी नहीं चलती, बहुत से मतलब के प्रॉब्लम आ जाते हैं इसमें, तो इसकी टच आईडी नहीं चलती, ठीक है, बाकी 16 GB में कोई बड़ा होता है, कोई 64 GB में बड़ा होता है, ठीक है, 16 GB में, 32 GB में, ये इस टाइम 64 GB में मौजूद है। लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं, लाहौर से जिसने मुझे कमेंट्स किया था वो इसको परचेज़ कर सकता है, पाकर हाउसिंग सोसाइटी में इस टाइम फ़ोन मौजूद है। तो उसकी डिमांड जो है वो 16,000 रुपये उसकी डिमांड है, तो प्राइस की मज़ीद आप बात कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नंबर मैं यहीं पे मेंशन कर दूंगा। तो आज ही ऐड लगा, मेरे ख्याल से ये बहुत जल्द सेल हो जाएगा क्योंकि 16,000 रुपये सिर्फ उसने डिमांड किया, 64 GB में इस टाइम ये मौजूद है, क्योंकि 16,000 डिमांड करते हैं 16 GB के लिए,
तो काफ़ी मैंने आईफोन 6 देखे हैं जिनकी सिर्फ आई टच आईडी भी नहीं चल रही होती और 16,000 रुपया जनाब जी डिमांड हो रही है 16 GB के लिए। तो इस टाइम ये 64 GB मौजूद, 16,000 रुपया सिर्फ डिमांड है उसकी। तो मज़ीद प्राइस की बात आप कर सकते हैं, 15,000 में मिल जाए या 14,000 में मिल जाए, 14,500 में मिल जाए, वो आपकी किस्मत है। वरन मैंने प्राइस वगैरह की कोई बात नहीं की। तो परचेज़ करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर यहीं पर मैंशन कर दूँगा, नंबर पर रबता करके प्राइस की बात कर लेना। मज़ीद पिक्स वगैरह चाहिए तो पिक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, खुदा हाफिज़।